सो दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ ज़वेर जाफरी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले वो आपको मिले। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 50% के आसपास जो हमारे सब्सक्राइबर वो कंटिन्यू वॉच करते हैं और इसके अलावा जो नए लोग हैं वो भी हमारे चैनल पर काफ़ी आ रहे हैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल थैंक यू, क्योंकि वो जो है हमारे लिए फर्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ इस चैनल पर आ रहे हैं और वो देख जरूर रहे हैं वीडियो, लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले उनको नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो भी ऑन पैसिव का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो सबसे पहले जो है आपको मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से अब आज हम बताते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने चाह रहे हैं वो है ये कि जैसे कहा जाता है कि हर प्रोडक्ट जो है ऑन पैसिव का गेम चेंजर है। आप कई वेबिनार मीटिंग अटेंड करते हैं उसमें आप देखते होंगे सुनते होंगे कि यार ये जो है इसके प्रोडक्ट गेम चेंजर हैं और बहुत सारे जो है पूरा मार्केट को चेंज करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली बिल्कुल यही है दोस्तों। अगर पुराने फाउंडर हैं तो आपको इसका काफी सारा नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी जो नए लोग आते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलना पड़ता है कि बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ आते हैं ऑन पैसिव में और कई फाउंडर हैं जो बहुत सारे नए जुड़ते हैं, तो प्लीज उनको भी ये शेयर कीजिए। देखिए गेम चेंजर इसलिए कहा जाता है कि ऑन पैसिव का हर जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, यूनिक है, कमाल का है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में जो है ऐसे प्रोडक्ट मौजूद नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो होंगे, लेकिन इसके पहले बहुत सारे हैं जो और कंपनियां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और जो है हमारे जो बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इसका इस्तेमाल कर करके और मार्केट में उनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें जो है बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, जिसकी वजह से जो है ऑन पैसिव जो है जैसा बोला जाता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग में जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को ख़त्म करने के लिए ऑन पैसिव बना है। तो कुछ कमियां हैं कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ जो है और कुछ बहुत सारा मार्केट में ऐसा है जो ठीक नहीं है, जो सही नहीं है। तो कुल मिला के हमारे जो एक एक प्रोडक्ट हैं कमाल के हैं। यहाँ पर जो बार बार बोला जाता है बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट हैं, एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे बिलियन डॉलर का। जैसे मैं एक बार फिर से एग्जांपल देता हूँ कि यूट्यूब, फेसबुक हुआ, ये कोई मतलब कोई कंपनियां नहीं थी बल्कि एक प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट से कंपनियां बन गई, सीधी सी बात है। तो इस वजह से जो है ये आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जबकि ये बोलते हैं कि एक्सीडेंटली मतलब बस हो गए थे ये हिट, उनके पीछे कोई रीजन नहीं था। लेकिन ऑन पैसे में जैसे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं सॉफ्ट लॉन्च में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये लग रहा है, तो आपको ये चीज यहाँ पे बता दूं क्लियरली कि एक एक प्रोडक्ट को बनने में काफी टाइम लगता है। अगर हम यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल्स में जाएंगे तो आपको जाना है ऑन पैसे .com में, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट हैं जो हैं मार्केट में अभी जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसके मुकाबले कहीं ज्यादा जबरदस्त हैं। उसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल यही दे सकते हैं कि यहां पर जैसे फ्यूचर में आने वाला है ओ कनेक्ट आएगा, तो ओ कनेक्ट कुल मिला के महंगा नहीं होगा, ये उन प्रोडक्ट से काफी सस्ता होगा जो मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है, लाइक जूम जैसे प्रोडक्ट भी हमारे पास यहां पे अवेलेबल हैं। तो जूम जैसे प्रोडक्ट होते हुए भी आज हमारा कॉम्पिटिशन क्या जूम से होगा? बिल्कुल डेफिनेटली होगा, लेकिन इससे कंपटीशन नहीं होगा बल्कि उससे कहीं ज्यादा एडवांस होने वाला है हमारा ओ कनेक्ट। जब इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे जब यहां पर आप हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं अगर जूम में अपनी मीटिंग्स वगैरह करने के लिए, तो जब उसको कम रेट में, आधे से भी कम रेट में जब जो है ओ कनेक्ट आएगा हमारा, तो लोग उस पर क्यों जाएंगे? डेफिनेटली हमारा जो है ओ कनेक्ट में आएंगे, वो जूम पर नहीं जाएंगे। इस टाइप से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे ओ नेट आएगा, ओ नेट में भी फायदा यह हुआ कि यहां पर जो सिर्फ इसके जो YouTube जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो तो ही आपकी इनकम बनती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही मिलती है, लेकिन व्यूवर्स को यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ओ कनेक्ट फ्यूचर में जब आएगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा जो है कनेक्ट करेंगी और यहाँ पर जो व्यूवर्स आएंगे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो फ्यूचर में क्या किस प्रकार से होगा और इस टाइप से कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसा ओ मेल है, ओ मेल कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, कहीं ज़्यादा एडवांस के साथ होगा, जैसा ये जी मेल वगैरह जैसा नहीं। आप सोचेंगे यार ऑलरेडी मार्केट में जी मेल मौजूद है या दूसरे जो मेल है वो मौजूद है तो ये कैसे होगा ओमेल? ओमेल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे जब आप देखेंगे onpassive.com में जाके, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगी। तो असली वेबिनार मीटिंग कंटिन्यू आप अटेंड कीजिए और जो भी सेशन होते हैं उसको अटेंड जरूर कीजिए, और अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो प्लीज़ उसको जो हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए onpassive.com में, तो प्रोडक्ट की आपको उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रोडक्ट की जानकारी की आपको फिर से बता दूं कि मैंने भी कभी वीडियो नहीं बनाया है प्रोडक्ट को लेकर के कि इसमें ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, आप बिल्कुल उस पर मत जाइए। आप सीधा सा सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, onpassive.com में जाइए, वहाँ पर सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स है और आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसमें भी देखने को मिल जाएगा।
उसमें आप जाइए, उसमें सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हर यहाँ पे प्रोडक्ट गेम चेंजर इसलिए भी बनेगा क्योंकि आप जो भी टूल्स देख रहे हैं, अभी आप जो मार्केट में जो टूल्स देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। और उसका सबसे बड़ा बात ये बताऊँ कि इस इन सारे जो प्रोडक्ट्स का फ़ायदा है, जो दूसरी मार्केटिंग कंपनियाँ, जो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ उन कंपनियों को ही मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट आर्टिफिशियल नहीं है, तो वो कंपनियाँ ही उसका प्रॉफिट लेती है, डेफिनेटली उसके हकदार भी हैं वो। लेकिन यहाँ पर ऑन पैसे में जो फाउंडर बनेगा उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट आएंगे, जो फ्यूचर में इसके यूज़र बनेंगे, चाहे वो कस्टमर बनेंगे, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली फाउंडर को बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो गेम चेंजर तो हमारे लिए, जो फाउंडर हमारे जैसे फाउंडर, उनके लिए तो यही सबसे बड़ा गेम चेंजर हो गया। लेकिन कोई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का जो इस्तेमाल करेगी फ्यूचर में कंपनियाँ, वो इतने ज्यादा एडवांस्ड हैं कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जिस हिसाब से बैक ऑफिस में काम चल रहा है ऑन पैसिव के, तो आप सोच भी नहीं सकते हो, इतने टेक्निकली इतने स्ट्रांग हैं। तो अभी धीरे 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 करके जिस हिसाब से बैक ऑफिस में तेजी से जो काम चल रहा है, वो आपको फ्यूचर में इतना बड़ा बनने वाला है ऑन पैसिव कि हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, कई लोग जो नेगेटिव वीडियो देखते हैं, मैं जो बनाते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो उनका काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, दैट्स इट। तो जो लोग देख लेते हैं और वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो मैं उनसे ये बोलूंगा, भाई साहब आप लोग जाइए, सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, सही वीडियो लीजिए, और ऑन पैसिव की जो वेबिनार मीटिंग होती है, इंटरनेशनल वेबिनार मीटिंग होती है, वो सब आप सुनिए, देखिए, तब आपको पता चलेगा। जो फाउंडर लोग हैं तो उनको पता चलेगा वाकई में ऑन पैसिव कितना बड़ा है। और एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे जो बोला जाता है बिलियन डॉलर का होने वाला है, कोई तुक्के की बात नहीं है, वो सच्चाई है, वो 100% ट्रू है, राइट। तो उस चीज़ पर जाइए। और फिर से मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ onpassive.com में जाइए, वहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सारा नेगेटिव माइंड आपका जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यार वाकई में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा जो पैसे इसके अंदर लेके जो फाउंडर बन रहे हैं, लेकिन वो असल में पैसे नहीं हम दे रहे हैं, कुल मिला के मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए दे रहे हैं, वो उसका फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो डेफिनेटली जो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं वो गेम चेंजर होने वाले हैं। बस हमको वही करना है, सब्र रखना है। जो लोग बोलते हैं बार बार कि सब्र, किसी ने तो मुझे ये भी बोला था कि भैया सब्र, हर बात में ये बात बोलते हो आप, सब्र रखो। कब तक सब्र रखें? मतलब जब तक आपको ऑन पैसिव लॉन्च नहीं होता, जब तक सब्र ही रखना है दोस्तों। और कोई बोलता है कि आपको इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं आता है कि सब्र रखो, तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, मुझे नहीं आता है इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। मतलब मैं सब्र का शब्द का इस्तेमाल बार बार करूँगा और 100% करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली मुझे पता है कि कहानी कितनी बड़ी है, और कहीं जो एक्टिव फाउंडर उन्हें पता है कि वाकई में कितना ज़बरदस्त है ऑन पैसिव। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।